जैसे कि आपको पूर्व में अध्ययन करा चुके थे हम, लेकिन आज जो है आप लोगों को अपन पैत्रोग्राद में फरवरी क्रांति के संदर्भ में जानकारी देने जा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आपको शायद इस संदर्भ में जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए, यह जानकारी होगी, है ना, क्योंकि अपन को ये भी ध्यान देना है कि आगे पाठ पीछे सपाट ना होने पाए, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखते हुए हमने आपको जो पूर्व में पढ़ाया था रूसी क्रांति, है ना। तो अब रूसी क्रांति के पश्चात आपको पुनः आज क्या पढ़ा रहे हैं, पैत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। तो फरवरी क्रांति से तात्पर्य समझ रहे हैं आप, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पैत्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। कौन की हालत खराब थी, राजधानी पैत्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी और ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूदा भिन्नताओं से तात्पर्य समझ रहे ना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आके संपर्क साधिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं पूछते हैं मगर आके स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे, इसलिए इसके लिए जरूर आप ध्यान दें, ठीक है। तो मौजूदा भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। अच्छा, जो शहर की बनावट है क्या हुआ था, शहर की बनावट तय की गई थी, मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे, ठीक है, और बाएं किनारे पर, दाएं बाएं से तात्पर्य समझ रहे हैं, दाएं का बता चुका हूँ, बाएं का बता रहा हूँ कि बाएं किनारे पर क्या था, फैशनेबल इलाके। फैशनेबल तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे बच्चों, है ना। तो फैशनेबल इलाके, जैसे अपन लोग कोई वस्त्र पहनते हैं ना, पार्टी वेयर, शादी वेयर, तो इसी प्रकार से फैशनेबल इलाके वेंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी, ठीक है। तो जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, काहे की ड्यूमा क्या होता, मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, ओके, मैं तो नहीं बनेगा तो फिर मैं बतलाऊंगा आप लोगों को, आकर आप मुझसे संपर्क चाहते हैं कि आके, और माता पिता से अनुमति और परमिशन लेकर जरूर आए, लेकिन लिखित में। अच्छा, तो ड्यूमा की बैठक होती थी, वह भी इसी तरफ का फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। कहाँ, खाद्य पदार्थों की जब भारी कमी पैदा हो गई तो उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। क्या हुआ था, उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ गई थी और भीष्ण कोहरा समझते ना, जब अपन सवेरे उठते तो कोहरा गिरा रहता है ठंड के दिनों में, तो भीष्ण कोहरा और बर्फबारी हुई थी, और जब भीष्ण कोहरा और बर्फबारी हुई थी उस समय संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार है बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूबा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। जो जार द्वारा है उस सरकार को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए फिर क्या हुआ, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी। क्या किया था, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी, और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री कर्मियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जो फैक्ट्री कर्मी थी उसमें 50 फैक्ट्री कर्मी जो मजदूर थे फैक्ट्री कर्मी में, उन्होंने क्या किया, हड़ताल की घोषणा कर दी, और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल के नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, है ना। औरत शब्द लिखा है, लेकिन ये शब्द बहुत बोतन शैक्षणिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपन महिलाएं शब्दों का उपयोग करते हुए आपको संबोधित करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेतृत्व महिलाओं कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। बच्चों इसका विशेष ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो है नाम कब दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे बराबर पूछा जाएगा प्रश्न ये वाला है, लेकिन नकल बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ईमानदारी से अध्ययन करके संदर्भ में इसका जानकारी और इसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया और आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच, कहाँ, बस्ती को पार करके, और राजधानी जो है तो राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट
तक आ गई। कहाँ तक आ गई? नेवेज की प्रोस्पेक्टिव है ना, जैसे नेव्स की प्रोस्पेक्टिव तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। क्या हो रहा था? इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टियां आंदोलन को सक्रिय रूप से अपने आप को सक्रिय रूप से जो राजनीतिक पार्टी थी अपने आप को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, है ना। और जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को जो फैशनेबल थे ना, तो फैशनेबल जो रिहायशी इलाकों में सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने फिर क्या किया? कर्फ्यू लगा दिया, है ना। तो जब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, फिर शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। जो प्रदर्शनकारी थे, तो प्रदर्शनकारी कौन थे ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, इसी में आंसर दिया हुआ। रहा सवाल ये कि शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। अपने यहाँ नहीं, जैसे दशहरा आता है, दीपावली, मुहर्रम कोई त्यौहार आता है, तो अपने मोहल्लों की घरों की सड़कों से, इलाकों की सड़कों से घुड़सवार पुलिस वाले निकलते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर भी नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। ये देखिए आपको चित्र में स्पष्ट झलक रहा है ना, जो भी स्थिति है स्पष्ट आपको समझ में आ रही है, तो इसका आप अवलोकन करें और स्वयं समझने का प्रयास करें, है ना। जैसे लिखा हुआ ड्यूमा में पैत्रो सोवियत की बैठक फरवरी 1917 के संदर्भ में, जैसा कि अध्ययन करा रहा है। फिर क्या हुआ पता? फिर रविवार 25 फरवरी को क्या हुआ? रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। किसने बर्खास्त किया है, आप इस बात का स्वयं प्रश्न बनाए, है ना। तो रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, है ना। देखिए कुछ शब्द जैसे होते हैं उसी लाइन में प्रश्न भी रहते हैं और उत्तर भी रहते हैं, सिर्फ हमको ध्यान देना है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे, है ना। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए, है ना। फिर क्या हुआ? 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। बहुत से लोग तादाद की संख्या में, कई असंख्य जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, तो असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए और सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी दिया कि उनके हड़ताल करने के लिए या किसी भी प्रकार की कोई अनाधिकृत गतिविधि करने के लिए सरकार ने पूर्व में जैसे घोड़ा सैनिकों को तैयार कर दिया था, फिर यहाँ पर भी एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। किन्होंने इनकार कर दिया? घुड़सवारों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या किया? इनकार कर दिया। फिर गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरिक में अपने एक अफसर पर गोली चला दी, है ना। जैसा कि पूर्व में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अपने जबलपुर में अपने एक अधिकारी को उन्हीं के ही कर्मचारी ने गोली चला दी, है ना। इसी प्रकार से भास्कर में दिया था कल या परसों के पेपर में, है ना। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी ये प्रक्रियाएँ हो गई। तो देखिए, एक रेजिमेंट की बैरिक में अपने अफसर पर गोली चला दी और 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी, है ना। क्या हुआ? 3 दूसरी जो रेजिमेंट थी, तो तीनों रेजिमेंटों ने क्या किया? बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। हड़ताली मजदूरों के साथ कौन आ मिला, आप इसका प्रश्न ध्यान रखिए, है ये प्रश्न है आपके लिए, समझ लीजिए एक तरीके से, मोस्ट आई एम पी समझ लो इसको।
तो हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक डूमा की बैठक हुआ करती थी। कहां इकट्ठा हुए? जहां अब तक डूमा की बैठक हुआ करती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। फिर अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। किससे मिलने गया? अगले दिन एक जो प्रतिनिधिमंडल था वो जार से मिलने गया। अच्छा, सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। किनको सलाह दी राजगद्दी छोड़ दे? सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली। क्या किया उन्होंने? कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। कब छोड़ दी गद्दी? 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। फिर सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। कौन सी सरकार बना ली? एक अंतरिम सरकार, जैसे कोई अपने वास्तविक रूप से 2 राजनीतिक पार्टी है ना, है ना, एक कमल एक पंजा, तो इसी प्रकार से अपने यहाँ एक अलग से हटके जो पार्टियाँ हैं वही कहलाती है एक तरीके से, कि अलग से पार्टी बनाने के लिए क्या किया गया है, तय किया गया, और उसमें भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया जाए। कैसा किया जाए? जो चुनाव है उसका तो वो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया जाए। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। किनके हाथों में था झंडा? पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था झंडा। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जो झंडा उनके हाथों में था, अच्छा, अब होता ये है कि